सबके सामने खुद हूँ। ये भाई आए हैं, ये नए भाई आए हैं, हम देख रहे हैं। हाथ लगा दो भाई। मैडम वो अंडा डायनासोर का था, उसमें से ये निकला है, उसमें से ये निकला है। इसको बोला था मैं टिकट करवा दे, तुम परसों टिकट नहीं करवा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग है, हम पिंडी से लाहौर आ रहे हैं और हम सारे दोस्त जो हैं इकट्ठे हो गए हैं। एक नमूना, दो नमूने, तीसरा सबसे बड़ा ये है, बहुत बड़ा, और अयान भाई मेरे प्यारे भाई। और अभी हम लोग जो हैं दुआ करने लगे हैं। सलमान भी दुआ करने लगे। हम लोगों ने दुआ कर ली है सफ़र की और हम सब लोग निकलने लगे। और जब हम लाहौर पहुँचेंगे ना, आपको लाहौर का माहौल दिखाएंगे। ये हमारे सलमान भाई हैं, ये हमारे सारे बच्चे हैं, और ये मैं आपके सामने खुद हूँ। ये भाई आए हैं, ये नए भाई आए हैं, हम देख रहे हैं। हाथ लगा दो भाई। भाई बड़े मजे से देख, पता है अभी कहाँ से निकले, अंडा थोड़ा गर्म था, ये अभी निकले। ये यहाँ से बगैरत मारनी कर दी, बगैरत करनी, बगैरत करनी। वो अंडा थोड़ा गर्म था, ये अभी निकला उससे। बगैरत कहते हैं भाई, मैं भी गर्म। वो अंडा डायनासोर का था, वो उसमें से ये निकला है, उसमें से ये निकला है। इसीलिए ये छोटा है, ये उससे निकला है। चलो यहाँ पर अभी एंड करते हैं, ठीक है, आगे चलने वाली है। चलो हम लोग जो है ट्रेन में बैठ गए, और ये जो हमारे दो नीचे बच्चे हैं, इनको पहली दफा बैठे हैं, इन बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कैसे बैठे इस ट्रेन में। तो इनको सीटों की समझ ही नहीं आ रही थी, समझ आ गई है बच्चों? आगी, आगी। मुश्किल किसका बैठा हुआ देख रहा है। सलमान इधर ऊपर ही आ गया, इसको नीचे जा रही नहीं। सलमान हमेशा गलत बात नहीं किया करो यार, ये मेरा तो है। हम लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं, तो लाहौर पहुंच के इंशाल्लाह आपको न्यू अपडेट करेंगे। गुड न्यूज आएगी मेरी तरफ से खास। आप लोगों को बताता चलूं, हमारा एक दोस्त जो है जिसके पास टिकट नहीं थी, वो पकड़ा गया। टीटी ने उसको पकड़ लिया, उस पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उसको बोला था मैं टिकट करवा दे, तुम परसों टिकट नहीं करवा। वो बेचारा उधर पकड़ा गया, उसका चलान होगा उधर। ये शाहजेब है, इसके साथ अभी बहुत बुरी होनी है। और हमारे दोस्त इधर खड़े हो के इतने आराम सुकून से देख रहे हैं इसको। सलमान भाई इसका क्या होगा, ये भी इसके साथ अनहोनी होगी, बहुत बुरी होगी इसके साथ। रात के 2:45 बज रहे हैं, वो ये लोग आराम से नहीं लेट रहे। इन्होंने ट्रेन में इतना उधम मचाया हुआ है, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। ये सलमान के साथ होके लेट गया। यार शूज अपने साइड पे करो यार, ये बकाया दो नीचे लेट, ये दो नीचे लेटे। खुदा की कसम, बड़ा हरामी हो सबर में वो बुलाता हूँ। मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ, रुको तुम लोगों को सेट करता हूँ। तो यार बिल्कुल कोने में बैठा हूँ, वो बैठा हुआ है क्या मोबाइल तो उसका मोबाइल घूम गया, इस मुजाहिद का मोबाइल घूम गया। तो मोबाइल किधर है? हाँ तो गए यार, ये लोग बहुत बदतमीजी करते।
हद होगी इनके ऊपर। चलो आप लोग मोबाइल ढूंढो। मिल गया मुझे मोबाइल है सीरियस में यार, बंद कर यार। सीरियसली इसके पास है, इसके पास है, ये चोर है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा चोर, अयान चोर। कब गया है? चलो मेरे पास ऑफ हो गया। पहले नंबर में सलमान साहब आते सो रहे बड़े मजे से, दूसरे में शहजेब आता है बड़े मजे से सो रहे, तीसरे में यान साहब आते हैं हैंडफ्री लगा कर गाने शाने सुन रहे बड़े मजे से, और वीडियो दिखाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर पहुंच गए। तो अयान साहब का शूज जो है वो गाड़ी के अंदर गुम हो गया, अयान का शूज गुम हो गया, शूज देना बच्चे देना इसका शूज दे गया। यू सोया हुआ था आगे देखा आगे क्या होगा, ये लोग इतने मजे से सो रहे हैं बेखबर सो रहे हैं, तो इसका पता नहीं शूज कहां पर चला गया। आगे शूज आगे क्या होगा, छोड़ दो ये वो पैंका हुए वो कहां पर चला गया, ये आगे आगे आगे। अयान तुम्हारे शूज आगे शिफ्ट हुआ है, इसमें हमारी गलती कहाँ से है? कल को इसकी बीवी घूम जाएगी, वो भी हम लूट के हमेशा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बगैरत वाली बात करी, बगैरत इंसान, बगैरत इंसान। सर लग गया। चलो नीचे उतरो, हम फाइनली नीचे उतर गए। तो इन बगैरतों के काम चेक करो। बस शूज किधर है? शूज कहाँ पर गया पता नहीं यार, कहाँ पे गया। उठाओ शूज जल्दी निकलो सारे बाहर। फेंका किसने? ये शाहजेब यार, ये ना क्या कर रहा है, इसे फेंक दिया मैं सोया हुआ था। सलमान बदतमीज़ो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को यार, ये क्या बगैरती है यार। सलमान चलो जाओ यहाँ से। ये तेरे अबू जी की जैकेट है आराम से साइड पे हो जाओ। मामा खराब हुआ बेटा, पहला आप हो गया आवाज मेरे पास बैग में भूल गया, जेब इधर से मैं उठा के मैं। शूज किधर गया यार, ये कौन कह रहा था आगे पड़ा हुआ है? ये है ना, ये पड़ी है खेड़ी यहां से, खेड़ी की खेड़ी है, ये शूज नहीं है, ये दो है। चल ये भी किसी की रह गई है, ये वो उनकी है, उनकी है खेड़ियां, वो सुलेमान भाई सलमान साहब की है खेड़िया, इनका भी नाम यही है। भाई लाहौर में जूता चोर गैंग आया हुआ है, जूता चोर गैंग तो ये पिंडी से आया है। ये मिल गया यान, जूता चोर गैंग आया हुआ है, इसका इतनी छुपाया होगा ये ना यान का। बैग चेक कर दे अभी भी, एक आंटी ने बोला लावारिस शूज किसके हैं? गाड़ी ला सके गाड़ी, पकड़ इसको साइड हो जा भाई यार, जल्दी करो ना एरा यार, जल्दी करो। ऊपर छुपाया हुआ है, ऊपर किधर है? ये मेरा बैग है, नहीं इसके साथ नहीं खेलो यार। सलमान बस हो जा, बस हो जा, अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे हम लोग। ये तो नहीं डालने लगा मैं व्लॉग में, ये पुत्र मैं कट कर दूंगा ना, डालना यार। तेरे जैसा कोई कमीना इस दुनिया में नहीं पाता भाई, तुसी ले के तो नहीं गए शूज के? इसके अबू का शूज था यार, प्लीज दे दो, अल्लाह का वास्ता तुम्हें शूज दे दो, लोगों के शूज के बाद ये हमारा यार इधर आओ ना यार, शाजे पहले ना मार रहा यार, यार कहां जा रहे हैं यार, बात सुन लो। इसका शूज घूम गया यार, सलमान अयान का शूज घूम गया, बस अयान नंगे पांव ही जाएगा।
यहाँ पर छोटे छोटे आए, इनको भी आज पता चला ये स्टेशन है लाहौर का। अयान इतने मजे से बोलता है लाहौर का स्टेशन। अयान आपने कितने टाइम पहले देखा था? हाँ मैं 1995 ये इन सब बच्चों को मैं यहाँ पर पहली दफा लेकर आया हूँ। ये बच्चे आज यहाँ पर पहली दफा आए हैं? आज ही पहली दफा आए हैं उसामा के साथ। और ये आइडिया मैंने कर दिया था मुझे कि ये ट्रेन बना। ये महात्मा गांधी लिए वीआईपी मैंने रक्षा करवाया है। वीआईपी गाड़ी बैठे हुए सारे चाचा जी सानू होटल चला के जा रहे ने जी। अल्लाह एक मिनट मेरा बैग तो ला ला रेड है हमारा बैग थोड़ी किन बिस्मिल्लाह जी असी बैग गए थे मजे नाल वो ब्रांड में लगा रहे ब्रांड में साहब क्या नजर आएंगे ब्रांड में क्योंकि हम जा रहे हैं वीआईपी खुले आसमान के नीचे मजे करते हुए। लोग यहाँ से बाहर आए हैं, सलमान की तबीयत ख़राब हो रही तो हमने कहा चलो बाहर जाते हैं कुछ कर लेते हैं। तो पर जो हमारा दोस्त है ना बहुत ही वो समझते हो ना वो हमें हम तो हम लोगों को ना अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो लोग हमारे पीछे पीछे यहाँ पर आ गए। वो सामने खड़े में अयान खड़ा है, मुजाहिद खड़ा है और शजीब खड़ा है। तो इनको हमने बोला था हम आ रहे हैं पर इनसे रहा नहीं गया कमरे में रूम में रहा नहीं गया एकदम से। वो हमारे पीछे आ गए। इसकी मेडिसिन ये है, इसके गुर्दे में पथरी है बेचारे के। मैंने कहा मैं पहले कुछ खा लूं। कुछ खा ले तो फिर कुछ हम कुछ करते हैं। मेडिसिन चलो ऐसे नए पेट खाने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर स्पेशल लाहौर के पाए खाने आए हैं। लाहौर के पाए बहुत मशहूर हैं, सलमान भाई शुरू भी हो गया। ये बहुत ज़बरदस्त पाए हैं और हम यहाँ पर पाए भी खाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें। इसमें कोई शक नहीं है, ये हमें मशवरा दिया था लाहौर का पावा अख्तर। लाहौर का पावा अख्तर लावा। चलो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने ये बेड तोड़ दिए। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर होटल लेकर रुके थे और यहाँ के होटल वाले जो है ना रूम सर्विस वाले इंतहाई बदतमीज़ घटिया इंसान और दांत उनके टेढ़े मेढ़े। तो हमें कहते हैं कि यहाँ से होटल खाली करो जल्दी से, 24 घंटे का टाइम होता है, 12 से 12 होता है, यहाँ से 6 से काउंट किया हुआ है। अभी कहते हैं 6 बज गया तुम्हारा वापस अगला दिन चढ़ गया, 2000 रुपये होते तो हमने कहा यार 2000 रुपये किस चीज़ के लिए, हम आराम के पैसे कमा रहे हैं। हमें बहुत गुस्सा आया इस चीज़ पे। तो कमरे की हालत देखी हमने, ये बिगाड़ी भी हालत कमरे की। तो अभी देखना है इस कमरे की हम हालत क्या करेंगे। जिस दिन आए थे उस दिन इन्होंने इसका जो है वो बेड तोड़ दिया था, बेड को टीका पीका कर दिया था। तो ये तो लॉस इसको बहुत भारी पड़ेगा 1000 रुपये का। और दूसरा जो नोबल की जो ये है स्क्रीन है ये भी जो है ये फारिग हो जाएगी। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ उसको छोड़ के नहीं जाना, 1000 रुपये ये रोएगा कि बाकी पिंडी के बंदे थे कुछ कर के दिए। तो आप लोग कमेंट में बताना हम लोगों ने ठीक किया या गलत किया। हेलो गाइस, हम आ गए हैं दाता दरबार। और दाता दरबार जो है माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। आप लोगों को यहाँ का पूरा विज़िट करवाऊँगा दाता दरबार, ठीक है जी। अयान भाई, सलमान भाई, मुजाहिद भाई, रात को सोते तो आंखें खुलती हैं ना आप लोगों को। तो ये अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप ये देख रहे हैं ठीक है। तो अंदर हम सलाम करेंगे जाके, ठीक है। तो बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह से, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं इधर अंदर। ये देखें मलंग साहब, ये मलंग भाई रखा गया है। सलमान भी कभी करते हैं, सब दुआ में जो मांगते हैं वो कबूल हो जाता है। वहाँ से हम अंदर आ चुके हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ जा रही होगी? वैसे आ रही होगी ना। वाह वाह दीका दीका दीता पकड़ू का, जल्दी चलना यार।
सलमान भाई, ये हैं सलमान भाई, व्लॉग बना रहे हैं इधर। और यहाँ पर हम आप सबके लिए दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह आप सबके लिए हम दुआ करेंगे कि दुआ हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं उनके लिए आसानियाँ अता करें, ठीक है। सलमान भाई जो मुंह पे आता है वो बोल देते हैं, उसको तो शर्म तो आती नहीं है ज़रा सी। मेरे ख्याल से ये मस्जिद है जी, मस्जिद तो मस्जिद नहीं है, देखते हैं अंदर क्या चीज़ है, अंदर इसको देखने के लिए सबर करो, जाके देखते हैं अंदर क्या है। मस्जिद है, मस्जिद है, देख लो ना भाई जान, इसमें देख लो मस्जिद है। पहले सारा ओपन था ना, या बंद किया वो, उनको पता चला है यान भाई आए हैं तो उन्होंने दस्ती बंद कर दी। ये बाद में हमें गारंटी से कहता हूँ, हाँ ना, इसकी वजह से इन्होंने ये जो अंदर जो है ना मच्छर भी बंद कर दिया। यान तू क्या चीज़ है यार, तू ना ही आता इसे, अच्छा असल मसला ये नहा के नहीं आया। देख सकते हैं आप, यान आप नहा के क्यों नहीं आए, वाह यू नो नाइन, वो तो काली काली है ना, कोई बात वो क्या हो गया गर्दन काली, इसका मतलब नहाएगा नहीं, नहाना छोड़ देगा तू, पैर काले हैं, नहाना ना छोड़ा करो, अच्छा साबुन ये लेकर देगा, और बताओ साबुन को छोड़ तू फेस वॉश दे, फेस वॉश तो मेरे ही तो इस्तेमाल करता है, हैं तो अंकल की आवाज सुना क्या जान भाई, तो बैठ सलमान भाई। अभी हम सब लोग जा रहे हैं पोलिंग मॉल, तो उधर जाके विजिट करते हैं, देखते हैं कैसा मॉल है। तो मेरे सारे भाई जो हैं जितने भी हैं, सलमान भाई, यान भाई और मुजाहिद भाई, वो पीछे बैठे हुए हैं। सलमान भाई, यान भाई पीछे बैठे हैं, एक चुम्मी देना नहीं छोड़ता। और ये हमारे भाईजान हमें लेकर जा रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर पहुँच कर दिखाएँगे ये कैसा आ गया। कौन आ गया? ड्राइवर हैं गाड़ी के सामने आके खड़े हो गए, इसके बाप की रोड है, इस तरह खड़ा हो गया सामने आके। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये लोग कह रहे हैं फैमिली के मिलने अंदर अलाउ नहीं है, तो अब ये दोस्त पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है, मैं इन्वायरमेंट के लिए लेकर आए थे, कह रहे हैं फैमिली के बिना अंदर अलाउ नहीं है, अब देखो क्या होता है। भाई क्या कहते हैं, अल्लाह करके जाने दे रहे हैं ना, ऐसे भी राह बंद कर देते सारा, फैमिली के बिना अंदर अलाउ नहीं हो सकता, बोलने के फैमिली डे है आज, इनका फैमिली डे आज हो गया, वो भी आगे ले जाओ, आगे जाने दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी हूँ फैमिली से, फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उसकी बात हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं मेरे पास जो थी वो कैश वगैरह जो है ख़त्म हो गई थी मेरे पास, तो मैंने राइड बुक करवाई हुई थी, उसको पैसे चाहिए थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर एटीएम ढूंढा और अपने दोस्तों को गाड़ी के बीच में बिठाया, मैंने कहा ज़रा मैं देख के आता हूँ कहीं ना कहीं एटीएम मुझे मिल जाएगा, तो यहाँ पर एम्पोरियो नंबर एम्पोरियो मार्ग के अंदर एटीएम मिल गया था, एमसीबी गेट नंबर 4 के पास, तो फिर मैंने कहा चलो गेट नंबर 4 के पास चले जाते हैं। तो सलमान लोग बकाए जितने भी हैं वो सारे अंदर कन बैठे हुए, देखते हैं जाके उनका क्या रिएक्शन होता है। एम्पोरियम माल को गुड बाय बाय कहते हैं, क्योंकि ये तो बहुत खबीस के बच्चे हैं, गाली देने को मन कर रहा है पर इनको मैं गाली नहीं दूंगा, ये फैमिली के बिना अंदर अलाउ नहीं कर रहे, हम सारे दोस्त हैं, तो हमने राइड कैंसिल करवाई थी, फिर दोबारा इन्हीं बाइक को राइड मिल गई है, जहाँ जिसका नसीब होता है वो ही लेकर जाता है, मेरे दोस्त यहाँ पर, मैंने कहा चलो उनको खाने पिलाने के लिए ले जाते हैं साथ, तो अब रेस्टोरेंट ही जाते हैं, देखते हैं लाहौर के रेस्टोरेंट कैसे हैं। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, पकड़ के इतना मारूंगी भाई जान। मैं अपने दोस्तों को खाने पिलाने ले जा रहा हूँ, इनके भूखे हैं बेचारे, तो ये अयान भाई पीछे बैठे हैं छुप के, अयान भाई अयान भाई बहुत खराब है, चले परे हो एम्पोरियम माल, नाम ही है तेरा,
उन में तन के दसा हूं यहाँ पर जितने भी लड़के खड़े हैं ना फैमिली को देखने के लिए खड़े हैं, कोई फैमिली मिले तो उनके साथ हम अंदर जाएं। वैसे पर हम ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि हम पिंडी बुआ हैं, सक लोंडे हैं, सक लोंडे किसी की मदद नहीं लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, तन पूछा किसी त्याड़े आके कदे ऐसा तो भी पिंडी एम्पोरियम मिले। अब हम लोग जा रहे हैं एच ब्लॉक इन साइड बंधु रेस्टोरेंट, सुना है वहाँ के खाने पीने अच्छे होते हैं, तो हम लोग उधर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ का खाने का टेस्ट कैसा है। पिंडी के तो वैसे टेस्ट अच्छे होते हैं, तो उधर लाहौर की भी चेक कर लेते हैं मेहमान नवाजी का जो होती है। हम लोग जो है खाने पीने की जगह में आ गए। सलमान भी बताए ना क्या खाना पसंद करेंगे आप, यार बताओ ना यार, नहीं शर्माओ नहीं, जाकर देखा बॉस बारबेक्यू नहीं कुछ भी नहीं खाने लगा, ले सफर करके आज 10 मिनट मैं क्या बोलूं यार, मेरी तबीयत खराब हो गई। अयान भाई चिट्स क्या खाएंगे, चिट्सी कढ़ाई आप बताएं क्या खाएंगे, मुझे भी कौन सी जगह खाना पसंद करेंगे, देखा चिट्सी कढ़ाई इधर आप देख लें इधर का सारा सिस्टम, इधर बारबेक्यू वगैरह सब कुछ ओके, वास्कट कढ़ाई जाना है, वास्कट कढ़ाई आइए ये इधर जाएगा, चिकन तू खाता नहीं है, बर्गर तू खाता नहीं है, यहाँ पे जाऊंगी, इधर आओ अल्लाह के बंदे, नहीं ना मैं इधर जाऊंगी, इंसान बन मेरे साथ, इंसान बन, इंसान बन ओए इधर आ ना, इधर तू ये खाएगा नहीं जाके खाएगा, यहाँ के पीछे तो बर्गर से खाता नहीं है, नहीं वो जाना। बर्गर से तो मुझे शुरू से नफरत है, तो क्या कराना है फिर, ये इसराइल का प्रोडक्ट है कौन सा प्रोडक्ट है, इसराइल का प्रोडक्ट है, ये हम नहीं खाते हैं, इसमें पाउडर मिलाते हैं, इस बैग से मैं तंग आ गई, उसको बैग गुना कर पाना होगा, भाई है ना यार तू मेरा अल्लाह के बंदे, भाई नहीं है तू पहन ले भाई, कितना प्यारा भाई है, कितना प्यारा भाई है, भाई 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 अलग है अयान भाई, चलो चलो शाबाश 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 शाबाश, ला जे सा पकड़ के, राजा भरा ला जे सा, कोई गल नहीं ले जो खिंच के ले जो, हमारा दिल करे बट कराई चाहिए बट कर, एंड एंड चले फिर प्लान बन गया बट कराई जाने का, चलो जी मैं जान दो जान देते उतने जान दो जान दे, मेरा बच्चा पार्टी अपने बच्चों को खाना खाना खिला देंगे, ठीक है मेरे बच्चे खाना खाना खा लेंगे और इनके अंदर जान आ जाएगी, अब आजी भूख लगी है खाना से, अच्छा नॉर्मल से करना है मेरा मेरे ऊपर सेपरेट किया है यार, हर रास्ता छोड़ दो बदतमीज, हटो हटो साइड पे हटो, मुझे जाने दो, खामोशी से बात सुनते नहीं हो तुम सब, चलो शाबाश आराम से बैठ जाओ, कौन सी कौन सा टेबल बैठो, हाय रब्बा फाइनली हम इधर बैठ गए हैं, प्राइस का ऑर्डर देते हैं, खाना शाना आता है तो फिर बताते हैं, क्यों सलमान भी जी जी ऐसा ही मज़ा आएगा क्या, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बढ़ गया हो कितने का यान भाई जी सर, मुजाहिद भाई जी चुप करके बैठ गए, माशाल्लाह से हमारी जो है बड़ी आ गई है, तो अभी हम खाना पसंद करेंगे इसको, माशाल्लाह से बहुत मज़े की लजीज कढ़ाई है, तो ये रोटी है, तो ये यहाँ का व्यू है सारा, इधर का इधर बैठने का गैदरिंग का माशाल्लाह से बहुत अच्छा भी पॉइंट है, सलमान भाई दुआ करें, चलो शाबाश स्टार्ट करो बिस्मिल्लाह, सलमान और मैं जो है ना सारी कढ़ाई खा गया, गोटियां खाने में बिजी हैं, ये बात सवाल आप कह लो सर,
गाइस हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था। खाना खाने के बाद सलमान की इतनी तबीयत खराब हो गई, व्लॉग का होश ही नहीं रहा मुझे। तो अभी भी देखो सलमान ये किसने बैठा है। सलमान कुछ बोलना, खामोश तो अच्छा नहीं लगता। इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, इसके दिल में पथरी आ गई है। यार ये बैठा हुआ है, मुजाहिद ये बैठा हुआ है। कुछ बोलना सलमान यार, मैं इतना परेशान हो गया था, इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी। अभी बस थोड़ा सा कुछ बोला तो शुक्र है इसने आगे से कुछ बोला है। तो हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं, स्टेशन पहुंच के आप लोगों को आगे की खबर आगाह करते हैं, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सलमान तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल लगा पर पंचासा तनों में। असल सलमान की वजह से ना हमने व्लॉग गाड़ी में आने का बनाया नहीं। खैर कोई बात नहीं, सलमान की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इसकी वजह से हमने जल्दी जल्दी में सफ़र तय किया है और सलमान की अब तबीयत कुछ बेहतर है। सलमान भाई कैसे हो? बेहतर हो? बेहतर हो ना, यकीन करो। इसको इतना दर्द था, इतना दर्द था, चीखे मार मार के मुझे बुला रहा था। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, इसको जल्दी जल्दी मैं इधर आया हूँ, स्टेशन आया हूँ, स्टेशन के बाद इसको मैं हॉस्पिटल लेकर गया हूँ, हॉस्पिटल के बाद फिर इसको इंजेक्शन लगवाया है। इंजेक्शन लगवाने के बाद फिर इसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, मुझे ATM जाना पड़ा। आधे घंटे के अंदर अंदर हमने इतना ज़्यादा काम किया। सही कह रहा है, मेरा भाई है, मेरे लिए इतना भी करेगा। बच्चे भाई है तो तभी साथ हूँ ना, वरना तो फिर तू गया था। किस तरह हालत थी? बहुत बहुत, मैं रुल रहा था जमीन पे। ये जो है ना रोने पड़ गया था। बहुत खतरनाक बीमारी, अल्लाह पाक हर बंदे को इससे बचाए। बहुत खतरनाक। आमीन। तो अब हम पिंडी पहुँच के जो आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। दुआ करना यार। आप लोग पहुँच चुके हैं पिंडी, इस बारिश की वजह से हम लोग लेट हो चुके हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो नीचे सारे लेटे हुए। ये अयान भाई लेटे हैं। अयान साहब उठ जाओ, अल्लाह के बंदे सो सो के थका नहीं है। मुजाहिद साहब तो जो दूसरे बीमार भाई हैं वो ये सलमान साहब। छोड़ दो ना मोबाइल, छोड़ दो ना। इसको चुम्मियों के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। अयान भाई हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हम पिंडी पहुंच गए हैं और हमारे अयान भाई इधर फोत हो गए हैं। अयान भाई, अयान भाई उठे, अयान उठ उठ। मुर्दा उठ गया भाई। ऐसा नींदर ही कुछ ज्यादा आ गई। मुर्दा उठ गया भाई। मुजाहिद भाई मुर्दा उठ गया। मुजाहिद को दिखा दे। मुजाहिद भाई वो बैठे हैं। मुजाहिद साहब जी, मैं मुर्दों की दुनिया से बोल रहा हूँ। एक मुर्दा उठ गया। उठे आंखों में लाइट ना मार, उठ मार, उठ पका। फिर बदतमीजी कर रहे हो ना यार, इसलिए इनको मैं अपने साथ लेकर नहीं आता। ये बच्चे घर से बाहर निकल जाए ना तो फिर अपनी मनमानियों में आ जाते हैं। सलमान की जो तबीयत खराब हो रही, बच्चा बड़ा दूर दूर जा सकता है अकेले। खैर चले इस बच्चे को फीडर पीना होता ना हमारे साथ, इसलिए ठीक है सर। और गंदे शूज पहन ले, बड़ी स्मेल है तेरे पाँव। बदतमीज जाओ यहाँ से, क्या मसला है तुम्हें? पिंडी आ गए तो आप लोग बाहर का इंटरेस्ट दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं, इसके बाद अभी हम जा रहे हैं। बस ये है कि बाहर बाड़ा छोड़ी है, बाहर बाड़ा छोड़ी है, बाहर बाड़ा। हां बगैरत इंसान। शुक्र अल्लाह पाक का हम लोगों ने सफर बिल्कुल अच्छे से कर लिया। इस सलमान ने ना लास्ट टाइम में सारा का सारा कुछ खराब कर दिया था, अपनी तबीयत खराब। कढ़ाई तो ऐसे खाई है जिस तरह के भूखे नहीं खाते हैं, उसने खा रहा था पर एंड में इसकी तबीयत खराब हो गई है। तो हम खैर खैरी से पिंडी पहुंच गए, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। यो यो हनी सिंह, यो इसको इसको भी बहुत वो कीड़ा जाग गया इसका। कीड़ा जाग गया, इस डॉक्टर ने इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया इसको। इसको जिस टाइम इंजेक्शन लगा था ना तो सलमान इस तरह करता है, इस तरह करता है एकदम से। तो नीचे आ रहा है में। अच्छा चलो यार चले, हम अभी हम जा रहे हैं अपने अपने। अभी हम सारे अपने अपने घर जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे मुजाहिद भाई? जिंदगी में पहली दफा ट्रेन पे बैठे थे आप, कैसा लगा आपको सफर? बहुत मजे
तुम भी पहली दफा गए हो, फिर मुझे दुआएं दो आप सब। फिर वो तो 3 साल बाद गया पिछले वाला। ये दोनों पैदा हो गए लाहौर जाके। चलो अभी हम बाहर जाके राइड बुक करवाते हैं और फिर घर जाते हैं। खामोश बदतमीज। मेरे अबू की रेंज नहीं बन रही थी, मेरे अबू ने हैवी बाइक करवा के दिया है, 3 टायरों वाला। हम अभी इसमें जा रहे हैं, ठीक है? तो हम आप लोगों को जाके फिर जा रहे हैं लाहौर की बच्ची। तो अभी हम हमें दुआओं में याद रखना। तो अभी हम फुल एंजॉय करेंगे इसमें बैठ। टक्की किस तरह रखे से बाहर आता है, टक्की किस तरह करता है? अच्छा जा रहे हैं। साडा वी आई पी रक्षा पिंडी ना, मशहूर रक्षा जो ले ऐसी कार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में पहुंच गए, खैर खैरी से पहुंच गए। और ये हमारे सलमान भाई, मुजाहिद भाई हैं, और ये हमारे भाई जो हैं वीगो डाला लेकर आए थे हमारे लिए, और अभी जा रहे हैं हमें छोड़कर। एमरजेंसी में हमें वीगो डाला ही मंगवाना पड़ा क्योंकि वो बाबा के पास गाड़ी की चाबी नहीं थी, इसलिए वो लेके गया। ऐसा ही है तो ही। बस हम घर पहुंच गए। तो बात है 100% में इत्तेफाक। आज का जो हमारा जो 2-3 दिन का व्लॉग था वो सारा का सारा जो इधर ही एंड होता है। तो इंशाल्लाह आपके लिए अभी हम सुबह की नमाज पढ़ेंगे और आप सबके लिए दुआ करेंगे, दुआ करेंगे कि आप सबकी शादियाँ हो जाए, और आप सब मेरे लिए भी दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊँ। आमीन आमीन। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना किया तो अल्लाह।